आ जाओ दोस्तों, बहुत दिन हो गए थे, वीडियो लग नहीं रहा था क्योंकि वक्त नहीं है। 10 घंटे 12 घंटे का काम चल रहा है रोजाना, और काम से दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है यार कि वीडियो नहीं लग पा रहे थे। इसलिए मैं आज भी अब शाम को काम से लौट के आया हूँ ना, तो मैंने सोचा मैं कहीं जाता हूँ, कुछ तो बनाऊँ, कुछ तो दिखाऊँ तुम लोग को। इसलिए आज मैंने वीडियो बनाया, छोटा सा वीडियो। आई होप की जगह तुम लोग को अच्छी लगी, चलो आ जाओ घुमाते हैं। और वीडियो की शुरुआत हो आगे, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक जगह कि मैं यहाँ पर अमेरिका में एक बीच पर आया हूँ। और अमेरिका में बीच पर जिस प्रकार के कपड़े लोग पहनकर आते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर बीच में कैसे कपड़े पहने जाते हैं, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ और आपको एक अनुमान भी होगा इसलिए अगर ना देखना चाहो तो मत देखना। हो सकता है कि आपके कल्चर के हिसाब से या आपके समाज के हिसाब से ये अजीब बात लगे, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ पर बीच पे जब जाते हैं लोग तो इसी प्रकार के कपड़े पहनते हैं, इसलिए पहले ही कह दिया है कि आप ना चाहो तो ना देखो। और बहुत सारे लोग मेरे को जानते हैं कि मैं वैंकूवर शहर में रहता हूँ, और वहाँ से ये जो जगह है कॉटन बीच, और वॉशिगल एक शहर है छोटा सा जहाँ पर ये बीच है, और वॉशिंगटन स्टेट जो है वो इस प्रकार के बीचों के लिए जाना जाता है। तो चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बीचेस किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से लोग वहाँ पर आनंद उठाते हैं जब आते हैं। तो चलो फिर आ जाओ घूमो मेरे साथ। और कुछ लोग अपना दिन व्यतीत कर वापस लौट रहे हैं, और शाम के इस समय लगभग 5:30 बजे, और हमारे यहाँ आजकल 8:30 बजे तक रात के धूप निकली होती है और उसके बाद शाम शुरू होती है। और वो सामने एक बच्चों की टोली आ रही है, जवानों की, मतलब मैं बच्चे तो नहीं कहूँगा, जवानों की टोली आ रही जो अपना दिन व्यतीत करके आ रहे हैं यहाँ पर। और एक बड़ी मज़ेदार आपको बात दिखाई देगी यहाँ पर कि हमारी स्टेट में अब बाहर जब आउटडोर में आप जाते हो तो वहाँ पर आपको कहीं पर भी, जब अपने आप ग्रुप में हो, आपके दोस्त हैं या आपका फैमिली है, वहाँ पर आपको कोई भी मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इंडोर में जाते हो तो ज़रूर आपको मास्क पहनना पड़ता है। और ये बहुत ही पुराने ज़माने की एक पेड़ में से काटकर बनाई हुई बोट हैं, और मुझे पता नहीं कभी चलती होंगी या नहीं चलती होंगी, या एक रिप्लिका है उनकी, या एक उनका उन्होंने प्रारूप बना के यहाँ रखा है। लेकिन यह है बोट जो एक पेड़ के स्टेम में से या तने में से उन्होंने काट के बनाई है। और अमेरिका में दो एक्सप्लोरर थे जिन्होंने 1806 में इस बीच को खोजा था, और उनका नाम था क्लार्क और लुइस, दोनों दोस्त थे और अमेरिकन आर्मी में थे 200 साल पहले। लेकिन इस बीच को पब्लिक के लिए जो खोला गया वो 2006 में पब्लिक के लिए खोला गया, और कोलेमी रिवर के किनारे पर है। और चलो आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा अद्भुत और सुंदर नज़ारा है। लेकिन बस एक बात वो ये कि मास्क वास्क का कोई चक्कर नहीं, सब खत्म हो चुका है यहाँ पर, अब कुछ नहीं, इंडोर में है बस, बाहर कुछ नहीं होता है। और एक बड़ी मज़ेदार बात है कि अकेला मैं एक ऐसा प्राणी था उस बीच पे जो कपड़े पहन के घूम रहा था पूरे, और वो सामने जो परिवार बैठा हुआ उन्होंने कहा देखो वो एक आदमी आ रहा है कपड़े पहने हुए पूरे बीच पर और कपड़े। तो यार ये यहाँ के लिए बहुत ही अजीब बात होती है, बहुत ही मतलब अनोखी बात कि कोई बीच पे है और कपड़े पहने घूम रहा है। चलो पानी से बात करते हैं, या पानी की जो ज़ुबान है या जो वो बोल रहा है उसको सुनने की कोशिश करते हैं, मज़ा आएगा सुन के पानी की आवाज़। सही बता रहा हूँ मैं आपको, देखो अभी वो क्षण आने वाला है या वो मोमेंट आने वाला है जब पानी की आवाज़ सुनोगे आप।
और इस नदी का नाम है कोलंबिया रिवर। ये कनाडा में एक जगह है जिसका नाम है रॉकी माउंटेन्स, अगर गूगल सर्च करो तो आपको मिल जाएगा। वहाँ से निकलती है फिर हमारी स्टेट में वॉशिंगटन में, ओरेगन में, कैलिफोर्निया आती हुई प्रशांत महासागर में या पैसिफिक ओशन में जाकर गिर जाती है। चलो एक आपको मैं 270 डिग्री का व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ और आप देखो, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और इस प्रकार के नज़ारों से जो वॉशिंगटन स्टेट है वो भरी हुई है। अमेरिका में आप जब किसी पब्लिक पार्क में या बीच पर या कहीं पर भी आप जाते हो तो आपको हर जगह पर कूड़ेदान मिलेंगे और बहुत सारी जगहों पर ये ग्रिल की व्यवस्था होगी जो सामने लगी दिखाई दे रही है आप, काले रंग की ग्रिल होगी और फिर जो उसकी जो कोयला वगैरह होगा, जो जब आपका काम हो जाएगा पका लो खाना तो उसको फेंकने के लिए साइड में जो है वो एक जगह होती है जिसमें आप उसको फेंक सकते हो। और हर जगह पर टेबल लगी होती हैं और मतलब कहीं पर भी चले जाओ आप, किसी जगह जब मैं कह रहा हूँ आप जाते हो आप, तो वहाँ पर आपको सब जगह पर इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। और जब बीच से आप वहाँ से अपना खेल कूद करके आते हो तो फिर आपको नहाने के लिए या पैर धोने के लिए पानी की व्यवस्था होती है, टॉयलेट की व्यवस्था होती है, ये हर जगह होता है। इसमें मतलब किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होती, जहाँ कहीं भी कोई पब्लिक प्लेस होगा वहाँ पर टॉयलेट, और अगर आप नहाने जा रहे हो उस जगह पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप पानी में घुस सकते हो तो वहाँ पर आपको हर जगह पर नहाने का या फिर पैर वगैरह धोने का आपको इंतजाम हर जगह पर मिलेगा। और पहला बीच मैंने आपको आज दिखाया, मेरी स्टेट में तो नहीं है, उसके पास वाली स्टेट जो है ओरेगन है वहाँ पर है। और अगर मेरे को वक्त मिला तो आगे आने वाले समय में किसी ऐसे दिन जाऊँगा जब वीक एंड होगा, तब आप देखना कितनी भीड़ होती है वहाँ पर। और आई होप कि आप लोग को अच्छा लगेगा। और ये देख लो कूड़ेदान, मतलब इतने कूड़ेदान होते हैं, ये सोचो आपके जिस जगह मैं काम करता हूँ 7-Eleven में, वो एक छोटा सा स्टोर है लेकिन वहाँ पर 8 कूड़ेदान है उस दुकान के अंदर, तो ये सोच लो। और कोई भी यहाँ पर जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से उनको सिखाया जाता है, तो कोई भी बच्चा कोई कूड़ा कचरा कहीं नहीं फेंकता है, तो सब जगह कूड़ेदान होते हैं और लोग उसी में कूड़ा डालते हैं। और मैं आपको अपनी स्टेट का बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप कहीं चले जाओ, मतलब लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं पर भी रात बिरात अकेले एकदम बगैर माँ बाप के, बगैर भाई के, किसी के भी, कोई किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं है। और अभी आप देखना, मैं आगे जब एंड होगा वीडियो का तो आपको इस बात का अनुमान हो जाएगा। और अभी जो एक दृश्य आएगा ना उसको दिखाने का मेरा एक पर्पस है,
जानबूझ के मैंने उसको रिकॉर्ड करा है, वो ये है कि यहाँ पर कहीं पर भी लड़कियाँ आराम से घूम सकती हैं, कितने छोटे कपड़े पहने या कुछ है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ देशों में बच्चियाँ छोटी छोटी 2.5 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की अपने घर के अंदर सुरक्षित नहीं है। बाकी ये है कि अब आप उसको किसी भी नज़रिए से देख सकते हो, तो मेरा पर्पज़ जो है इसको दिखाने का ये बताना है आपको कि लड़कियाँ जो हैं यहाँ पर सुरक्षित हैं और बहुत सारे देशों में नहीं हैं।빨리